सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा माइक कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक डीजे कंट्रोलर पर। इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, जैसे कि आप इको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप रिवर्ब कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको पिच ऊपर नीचे करनी है, आप सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगा। आप मोड्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, आपको टॉक ओवर मोड्स का यूज़ करना है, आपको कितना लेवल रखना है, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा हम यहाँ भी देखेंगे, आपको कंट्रोलर साउंड नहीं चाहिए, आपको आउटपुट नहीं देना है आपका कंट्रोलर पर, आपको लैपटॉप से देना है, तो वह सारी चीज़ें भी आप कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल डिटेल पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास यह कंट्रोलर है जो कि पायनियर डीडीजे आरबी, और यदि हम इसके पीछे की जेक के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रिंटर केबल का जेक देखने को मिलता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रिंटर केबल है हम उसे यहाँ पर लगा देते हैं, और जो दूसरा जेक है जो USB 3.0 का, वो आपके लैपटॉप पर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है हमारा मास्टर का, हमारा आउटपुट का है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी RCA केबल होती है हम उसे यहाँ लगा देंगे हमारे आउटपुट के लिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हमारे माइक के, तो माइक में हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर TRS जेक है, तो हम यहाँ लगा देंगे। और जो दूसरा XLR केबल, जो XLR जेक है, वो आपके आपका जो माइक है उस पर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन सा माइक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह मेरे पास माइक है जो कि शोर कंपनी का है, ठीक है, SV200। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमारे पास है XLR जेक, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो XLR जेक है उसे हम यहाँ पर फिट कर देंगे, इस तरह से कुछ लगा देंगे इस दबा के। तो जैसे कि देख सकते हैं यह हमारे पास माइक है, और अब हम देखते हैं इसके हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक नोब देखने को मिलता है, आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर रीडिंग भी देखने को मिलती है 0 to infinity। तो लेवल आपको बिल्कुल यहाँ पर रखना है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टॉर्ट करता है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में करके भी थोड़ा, बट आप यहाँ देख सकते हैं इसे आप बिल्कुल सीधा रखें। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइन दिख रही है, तो इसे आप बिल्कुल सीधा रखें, ठीक है। तो इस तरह से आप सेटिंग कर लेंगे पूरी, और उसके बाद हम चलते हैं हमारे रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर पर, मैं आपको वहाँ पर सब कुछ करके दिखाता हूँ। सो गाइस, तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कैसे कंट्रोलर से माइक कनेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, सेटिंग्स देखते हैं माइक ऑन कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, मिक्सर प्लस माइक पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आप देख सकते हैं माइक ऑन, लो, मिड, हाई रेंज, या आपको पास इफेक्ट आ जाएंगे, टॉक ओवर आ जाएगा। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो यदि आपको माइक ऑन करना है तो आप क्या करेंगे, माइक ऑन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जो भी आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, जो मैंने कंट्रोलर से माइक कनेक्ट किया है उसके द्वारा सुनेंगे, चेक चेक चेक, आप सुन पा रहे हैं। तो अब देखते हैं हम, जैसे कि मुझे एक बात की ओर कहना है कि यदि आपको और अच्छे से समझना है, तो आप कंट्रोलर के द्वारा जो भी मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, यदि आप हेडफोन के द्वारा सुनेंगे तो मुझे लगता है आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। तो आप हेडफोन लगा लीजिए यदि आपके पास हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर हाई जो मेरे लोज हैं इसे बढ़ाता, तो आप सुनिएगा, आपको चेंजेस आते हुए दिख रहे होंगे कुछ इस टाइप से, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, मिड को कम ज़्यादा करते हैं, तो कुछ आपको इस टाइप से चेंजेस आते हुए दिखते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइक्स को बढ़ाते हैं, तो कुछ आपको इस टाइप से चेंजेस आते हुए दिखते हैं। यदि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, आपको इको भी देखने को मिलता है, आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब आप इफेक्ट कैसे ऑन कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं। तो जैसे कि मैं इस पर ही क्लिक करूँगा, तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स देखने को मिलता है, और इसके अलावा आपको चेंजेस भी मिलते हैं आपके कलर पर, ठीक है। तो आप किसका मतलब है, आपका जो इफेक्ट है वह ऑन हो चुके हैं। किसी किसी सॉफ्टवेयर के वर्जन पर क्या होता है, या टॉक ओवर के पास पर ही आपको ऑन लिखा था, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ से ऑन करने का है, तो मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे इफेक्ट हैं, इको, रिपर्व और यहाँ पर पिच, हम तीनों चीज़ कर सकते हैं। वैसे हम पहले इको के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि मैं इसे एफएक्स को कम ज़्यादा करूँगा, तो आप चेंजेस आते हुए देखिएगा, ठीक है। कुछ आपको इस टाइप के चेंजेस आते हुए देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं आप इस टाइप से। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप हेडफोन पहनी है, क्योंकि इससे आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम रिवर्ब को देखते हैं, इफेक्ट को, में जो इफेक्ट है इसे हम कम ज़्यादा करते हैं, तो आपको चेंजेस आते हुए दिखेंगे, देखिए आप कुछ इस टाइप से। इसके अलावा हम पिच भी ऊपर नीचे कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, मैं दिखाता हूँ आपको, आपको देखने को मिलता है कुछ आप कम जो आपकी आवाज है, आपकी जो वॉइस है, उसे भारी या पतली कर सकते हैं इसके द्वारा। इसके अलावा यह क्या चीज़ है टॉक ओवर, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं टॉक ओवर पर क्लिक करता हूँ, और आपका कोई भी सॉन्ग चल रहा है और आपको माइकिंग करना है, तो जैसे कि आपका कोई भी सॉन्ग चल रहा है तो उसकी आवाज़ कम हो जाएगी और आपकी माइकिंग की आवाज़ उभर कर आएगी। मैं आपको एक बार सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ और माइकिंग करके दिखाता हूँ थोड़ी सी, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मुझे लगता है टेक्निकल से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल चीज़ सुनेंगे और आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्ले करता हूँ सॉन्ग को, आप देखिएगा।
video for the very good cause. It's me, DJ Indiana, playing in the mix. सो गाइस, तो कुछ आप इस तरह से माइकिंग यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है टॉक ओवर का यूज़ करके आपको समझ में आ ही गया होगा। जो हमारा साउंड था हमारे जो सॉन्ग का वह कम हो जाता है और हमारा जो वॉइस है हमारी माइक की वह अपने आप बढ़ जाती है। यदि आपको माइकिंग सीखना है तो इसके लिए पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं टॉक ओवर का यूज़ नहीं करता हूँ तो आपको पता ही होगा जो साउंड है आपका जो सॉन्ग का वह कम नहीं होगा और माइकिंग दोनों का साउंड सेम ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी एडवांस लेवल की सेटिंग्स होती है, मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स पर जाकर। तो आपको सेटिंग्स पर जाना है, ठीक है, उसके बाद आपको कंट्रोलर पर जाना है, उसके बाद आपको मिक्सर पर जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोफोन इनपुट से आपको यहाँ पर सेटिंग देखने को मिलती है। जो ये लो कट फिल्टर काम कैसे करता है, तो जैसे कि गाइस ये अभी ऑन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो जो अनवांटेड नॉइज होती है, जो बेमतलब की नॉइज होती है, जैसे हम कोई माइकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके मुँह से कभी आवाज आएगी इस टाइप की, तो ये बहुत हद तक कम कर देगा। ये बाहर से नॉइज़ आ रही है आपके पास तो भी बहुत हद तक कम कर देगा, ऐसा नहीं कि 100% ही कम कर देगा, बट बहुत हद तक कम कर देगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो होता है टॉक ओवर मोड, ठीक है। तो यदि हम नॉर्मल रखते हैं तो कोई बात नहीं, बट एडवांस रखते हैं तो हम बहुत हद तक लेवल सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टॉक ओवर लेवल। इसका मतलब क्या है, जो डीबी है यह क्या चीज़ है, तो जैसे कि यह आपको पता ही होगा यह साउंड को मेजर करने की यूनिट है। अभी जो मेरी सेटिंग जो मैंने माइकिंग की थी -18 dB पर की थी, ठीक है, इससे आपका जो साउंड है ज़्यादा कम भी नहीं हुआ और ज़्यादा भी नहीं हुआ आपके जो सॉन्ग का साउंड है हमारी मेरी माइकिंग करते वक्त। यदि हम 24 रखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है सॉन्ग का साउंड यदि आप माइकिंग करते हैं तो, ठीक है। यदि हम 12 रखते हैं तो कम हो जाता है, इतना ज़्यादा माइक जो सॉन्ग का साउंड है वह ज़्यादा कम नहीं होता है। 6 रखते हैं तो बहुत थोड़ा सा ही कम होता है सॉन्ग का साउंड, ठीक है, जब भी हम माइकिंग करते हैं तो जो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा बेस्ट है वह -18 dB लगता है, बट जब आप खुद आएंगे और खुद चेक करेंगे तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं, हम अलग अलग प्रकार से आउटपुट रखते हैं, जैसे कि अभी हमारी सेटिंग क्या है, अभी हमने किया क्या है, जैसे कि हमने अभी जो कंट्रोलर है उस पर ही हमने हमारा आउटपुट दे रखा है, देख सकते हैं इस टाइप से। तो यदि आपका जैसे कि आउटपुट है तो आपने क्या सेटिंग रखी है, तो हम यहाँ ऑडियो पर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर, तो आपका जो ऑडियो है यहाँ पर आपने DDJ RV को सिलेक्ट कर रखा है, और आप यहाँ आउटपुट चैनल पर देखेंगे तो आपने DDJ RV और मास्टर, मतलब कि अपना जो मास्टर आपने दे रखा है आपके जो कंट्रोलर पर, उसी से आपके जो आउटपुट जा रही है वह है, ठीक है। बट अभी बहुत सारे नए ऑप्शंस भी आ चुके हैं, जैसे आपको यदि आपके जो कंट्रोलर है उस पर आपको नहीं लगाना है आपका जो मास्टर है उसे, आपको लैपटॉप पर ही लगाना है, तो आप कैसे करते हैं? तो जब भी आप आपके लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं आपके कंट्रोलर से, ठीक है, आपके जो रिकॉर्ड बॉक्स है उसे कनेक्ट करते हैं कंट्रोलर से, तो आपको कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर एक ट्यूटोरियल देखने को मिलता है। तो आप सेटअप पर जाते हैं, उसके 12 नंबर पर जाते हैं, तो आप देखेंगे आपको कुछ देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से। व्हेन यू वांट टू आउटपुट ऑडियो फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस साइन पर क्लिक करना पड़ेगा। आप देखेंगे तो आपको सेटिंग के साइड में आपको यह साइन देखने को मिलता है। यदि आप इस साइन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको आपके जो कंट्रोलर है उस पर आउटपुट नहीं देना, आपके लैपटॉप पर ही देना है, मतलब लैपटॉप पर ही आप आपका जो RC केबल वह लगा देंगे तो भी आप आपके जो रिकॉर्ड बॉक्स है उस पर आप चला सकते हैं, आपका ऑडियो आपका आएगा, ठीक है। बट यदि आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको जो ऑडियो है वह नहीं आएगा आपके लैपटॉप के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, अभी हम इस पर हम क्लिक नहीं करते हैं, और अभी जो मैंने जो सेटिंग कर रखी है, अभी मैंने जो मेरे RC केबल है वह मेरे लैपटॉप पर लगा रखी है, और यदि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो आप देखिएगा आपको नहीं मिलेगा साउंड आते हुए, आपको नहीं दिखाई देगा। बट यदि मैं आप यहाँ देखेंगे, यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, मैं आपको सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, आप देखिएगा, तो आप देख सकते हैं आपकी ऑडियो आ चुकी है। तो यह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यदि आपको कंट्रोलर पर आउटपुट नहीं देना है, आपको डायरेक्ट आपके लैपटॉप पर ही देना है, तो आप इसके द्वारा दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यदि हम ऑडियो पर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम सेटिंग पर जाते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, आप यहाँ पर ऑडियो पर जाएंगे तो DDJ RV तो आपको देखने को मिलता ही है, बट यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ती हुई मिलेगी। मैंने वैसे तो यहाँ पर साउंड कार्ड लगा रखा है, बट यदि आप साउंड कार्ड भी नहीं लगाएंगे तो भी आपका कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कनेक्ट करके देखा हुआ है। सो गाइस, तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और इस वीडियो में मैंने माइकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद आप एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और कोई भी मुझे सुझाव हो सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू।